गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हमारे घर में जो नॉर्मल नल रहता है उसे ऑटोमेटिक नल कैसे बनाए सेंसर के थ्रू, तो चलिए आज के इस वीडियो में सीखते हैं। मैं हूं प्रमद और आप देख रहे हैं समर्था टेक्निकल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले 6 mm का आपको एल्बो लेना है, जो कि एक साइड से थ्रेड वाला एल्बो रहने वाला है, जिससे हमने अटैच किया है जो नल का ऊपर का जो हिस्सा रहता है उसे अटैच करके उसके अंदर टेप्लॉन टेप लगाकर उसकी फिटिंग करके उसके ऊपर से फेमिक्विक लगाए, जिससे कि ये लीकेज ना हो। ऐसा आपको ही करना है। आप फेमिक्विक की जगह यमसील भी लगा सकते हो, जिससे कि आपका लीकेज ना हो। इस नल की जो डिज़ाइनिंग है वो हम सेम जो हमारे घर में जो नल रहता है उस टाइप में करने वाले। तो इसके लिए आपको और एक छोटा पाइप का टुकड़ा कट करना है। 6 mm का आरओ फिल्टर का जो पाइप रहता है उसका टुकड़ा कट कर उसको और एक एल्बो लगाना है, जो कि एल्बो दोनों साइड से उसमें पाइप लॉक हो सकता है। इस तरह का एल टाइप में आपको एल्बो यूज करना है। ये हमने 6 mm का एल्बो इसमें यूज किया है और बड़े पाइप का कन्वर्टर है जो 6 mm के पाइप में किया है, और इसे SV भी हम 6 mm के पाइप वाले ही अटैच करने वाले हैं। 24 volt DC की ये SV है। इसकी जगह आप आधा इंच की भी SV यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको आउटपुट में बहुत सारा पानी मिलेगा। तो इसे भी एल्बो के साथ कनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसके अंदर भी छोटा सा पाइप का टुकड़ा यूज करना पड़ेगा 6 mm का, जो कि दोनों साइड से लॉक होने वाला है, SV के इन वाले साइड से और एल्बो के आउट वाले साइड से। बस प्रेस करना है आपको। प्रेस करने की वजह से दोनों साइड जो है वो पाइप के अंदर लॉक हो जाएंगे। इनका तो SV में पाइप कनेक्ट कर दिया है, अभी आउट वाला भी पाइप आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको जितना बड़ा पाइप चाहिए उतना आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, 1 इंच 2 इंच का। ये तो हो गया 6 mm आउटपुट वाला सिस्टम, लेकिन आपको इससे बड़ा चाहिए तो आप बड़ा भी SV यूज करके आधा इंच का भी सिस्टम इस तरह से बनवा सकते हो। और ये जो सिस्टम है ये विदाउट मोटर है, इसमें मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक सेंसर और आपको SV चाहिए। तो सेंसर जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर हम यूज़ करने वाले हैं। सेंसर पानी की वजह से जल्दी ख़राब ना हो, इसके लिए हमने PVC पाइप का टुकड़ा लिया है और उसके अंदर सेंसर को फिटिंग किया है, जिससे कि सेंसर की लाइफ बन सके। SV के बैक साइड से PVC पाइप को हम कनेक्ट करेंगे केबल टाई की मदद से। कुछ इस तरह से आपको सेम करना है, या तो आप दूसरी डिज़ाइन भी बना सकते हो। PVC पाइप के अंदर अभी हमने सेंसर डाल दिया है और सेंसर को थोड़ा सा आपको फिटिंग कर लेना है, जिससे कि सेंसर बार बार नीचे ना आए। अभी करेंगे सेंसर का कनेक्शन। तो सेंसर का कनेक्शन करने के लिए सेंसर के 3 वायर आपको मिलने वाले, एक रहने वाला है ब्राउन और एक ब्लू और एक ब्लैक, और जो अडाप्टर है उसका एक ब्लैक कलर का और एक रेड कलर का वायर रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको जो अडाप्टर का रेड कलर का वायर रहने वाला है उसके साथ आपको सेंसर का पॉजिटिव का कनेक्शन करना है, जो कि ब्राउन वाला सेंसर का वायर रहने वाला है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, और जो नेगेटिव वाला है वो अडाप्टर के ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट करना है। सेंसर का ब्लू कलर का वायर नेगेटिव है और जो ब्लैक कलर का वायर रहने वाला है उसे फिलहाल के लिए वैसा ही छोड़ देना है, वो हमारा सेंसर का आउटपुट वाला वायर निकलने वाला है। हमारे पास 8 पिन का 24 वोल्ट का एक रिले है, जिससे कि हमें वायर कनेक्ट करना है सेंसर का और अडाप्टर का। जो पॉजिटिव का कनेक्शन था रेड और ब्राउन कलर का वायर, तो उसे कनेक्ट करना है 14 नंबर के पिन में, और जो हमारा ब्लैक कलर का वायर है सेंसर का आउटपुट वाला ब्लैक कलर का, तो उसे कनेक्ट करना है 14 के साइड में जो 13 नंबर का पिन दिखाई दे रहा है वहाँ पर कनेक्ट करना है। अडाप्टर का ब्लैक कलर का वायर नेगेटिव कनेक्शन और सेंसर का ब्लू कलर का नेगेटिव कनेक्शन आपस में दोनों कनेक्ट है, तो इसे कनेक्ट करना है 9 नंबर के पिन पर। इसे कनेक्ट करना है 9 नंबर जहाँ पर दिखेगा वहाँ पर इसे कनेक्ट करना है। और सब रिले अलग अलग कंपनी के रहते हैं, मेरा अलग कंपनी का है, आपका अलग कंपनी का हो सकता है। रिले के कनेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मेरा नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। या तो फिर आपको सेंसर और रिले अडाप्टर SV कुछ सामग्री चाहिए तो वो भी आपको मेरे पास मिल जाएंगी। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप ऑर्डर कर सकते हो। सेंसर का जो 14 नंबर का पिन था वो हमारा पॉजिटिव कनेक्शन था,
तो वहाँ पर और एक येलो कलर का वायर मैंने कनेक्ट किया है, जिससे कि आपको कनेक्ट करना है उसके ऊपर के पिन पर, जिसका पिन नंबर है 12। 12 नंबर पर ये आपको कनेक्ट करना है, जिससे कि पॉजिटिव सप्लाई ऊपर चला जाएगा और निगेटिव भी ऊपर चला जाएगा। और जो सामने वाले दो दो टर्मिनल, चार टर्मिनल है, वहाँ पर आपको सेंसर ऑन या ऑफ होने के बाद सप्लाई मिलेगा। ऑन होने के बाद उसके ऊपर के साइड में मिलेगा और ऑफ होने के बाद जो नीचे का लास्ट वाला साइड है वहाँ पर मिलेगा। तो देखिए मैंने ये सेटअप जो है वो मेरे किचन के बेसिंग का जो नल है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। जो यूएसबी का और सेंसर का वायर था उसको आपको साइड से लगाना है। इस सिस्टम को आप स्मार्ट ओवनी यूज कर सकते हो। अगर आपका जो घर है या होम है वो आपको स्मार्ट बनाना है, तो इसके लिए इस सिस्टम का यूज आप आपके घर पर कर सकते हो, या तो आप कोई और भी काम करते हो तो उस चीज में भी इसका यूज कर सकते हो। अभी हमारे कनेक्शन रेडी है और जो नल है उसका जो कॉक है वो अभी ऑफ है, इसकी वजह से पानी जो है वो नहीं आ रहा है, लेकिन रिले ऑन हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। रिले के ऊपर ग्रीन कलर का लाइट इंडिकेटर दिखाई दे रहा है आपको। तो अभी कॉक ऑन करके चेक करते हैं ये कितना पानी आता है। देख सकते हैं पानी लीकेज हो रहा है, क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से इससे फिटिंग नहीं किया है। आप डायरेक्ट यम सील लगा कर फिटिंग कर सकते हो। देखिए जैसे ही सेंसर के नीचे कोई टारगेट आता है तो हमारे यूएसबी से पानी आने स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हैं अभी आप बड़े आराम से आप इसके नीचे हाथ धो सकते हो। लीकेज को रोकने के लिए यम सील या बॉन्ड टाइट ऐसे बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, आप उनका यूज कर सकते हो। ये मैं एक सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने प्रॉपर तरीके से इसे फिटिंग नहीं किया है, इसकी वजह से ये लीकेज हो रहा है। और बाकी ये अच्छे से पूरा काम कर रहा है मशीन। जैसे ही कोई टारगेट आता है सेंसर के नीचे तो ऑटोमेटिक पानी आता है, और जैसे ही सामने से टारगेट हटता है तो ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाता है। वीडियो में तो आप देख ही रहे हो, इसके नीचे आप बर्तन भी धो सकते हो बड़े ही आराम से, या तो आपको पीने का पानी लेना है वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। ये सिस्टम आप आपके आरओ फिल्टर में भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साथ टाइमर को भी अटैच करने वाले, और टाइमर के साथ ये कैसे वर्क करता है, कितने टाइम तक ये चलता है, तो ये भी चेक करने वाले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाया तो कर दीजिए, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। इस ऑटोमेटिक नल को आप बनाने के लिए आपको अगर कुछ मटेरियल चाहिए, सेंसर, रिले, पावर सप्लाई या तो यूएसबी, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हो। मेरा नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाया तो कर दीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।